नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओमी मुसाफिर में एक और नई वीडियो का। दोस्तों आज की जो वीडियो में होने वाली है वो अपाची 310 मतलब जो न्यूली लॉन्च वेरिएंट आया है। और वैसे तो ये 310 सीसी का ऑलरेडी इंजन आता है, जैसे BMW में आपने देखा होगा या फेयरिंग बाइक RR 310 में देखा होगा उससे रिलेटेड, लेकिन इंजन में काफ़ी चेंज देखने को मिलता है और बाइक भी ऑलमोस्ट पूरी चेंज है विद ऑल न्यू फीचर्स के साथ आती है और काफ़ी अच्छे खासे अपग्रेड के साथ लॉन्च हुई है। तो इस बाइक का एक हाईलाइट रिव्यू करते हैं और देखते हैं इस बाइक में क्या खास मिलता है, एक छोटा सा राइड रिव्यू भी करेंगे और देखेंगे कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है ऑन रोड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है इस बाइक में ऐसा कुछ खास। तो ये है अपने पास सामने RTR 310, और अगर इसकी बात करें ना तो ये न्यूली लॉन्च 310 सीसी में RTR ने लॉन्च किया। और सबसे पहले जो अपग्रेड सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलता है ना वो फ्रंट हेडलाइट की तरफ देखने को मिलता है, जो कि डायनेमिक हेडलैम्प मिलता है। वैसे तो ये 3 वेरिएंट में आता है, स्टैंडर्ड, मिड वेरिएंट और एक हायर अपर वेरिएंट आता है, टॉप मॉडल वाला वो मिलेगा, लेकिन ये जो सामने है अपने पास वो मिड वेरिएंट है। इसमें बस दो चीज़ें नहीं मिलती आपको मोस्टली, अगर देखने को मिले तो वेंटिलेटेड सीट और एक जो TPMS जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो नहीं मिलता। बाकी सब कुछ इंजन से रिलेटेड ऑलमोस्ट तीनों वेरिएंट में सब कुछ सेम देखने को मिलता है। तो अगर हम फ्रंट से अगर बात करें तो फ्रंट में सबसे पहले आपको LED हेडलैम्प मिलता है, और जो इसके अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ ना तो सब कुछ LED इंडिकेटर मिलता है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी बाइक है, और अगर मैं इसको ऑन करके आपको एक बार विजिबिलिटी दिखाऊँ इंडिकेटर की भी, तो इंडिकेटर की विजिबिलिटी कुछ डे टाइम में ऐसी है। और ये प्यारा सा एक DRL के साथ आता है, DRL कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं इसका हेडलैम्प ऑन करूं तो हेडलैम्प की विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है और डिसेंट सी विजिबिलिटी, और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव सा देखने को लगता है। और एक बार अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो अगर हम नीचे की तरफ से थोड़ा सा बात करें तो नीचे की तरफ जो मडगार्ड आने वाला है वो ड्यूल टोन कलर में मडगार्ड आने वाला है, और फुल्ली फ्लेक्सिबल मडगार्ड आने वाला, मतलब फ्रंट से ये फुल्ली ग्लॉस आने वाला और रियर से मैट लुक में आने वाला, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। और रेडियल टायर उसके साथ आने वाले हैं। और टायर साइज़ की बात करूँ ना तो 17 इंच के व्हील मिलने वाले, जिसका टायर साइज़ होने वाला 110/17/70, मतलब 110/17/17 का टायर मिलने वाला है। 4.5 mm के डिस्क ब्रेक मिलने वाले, डुअल टोन और डुअल पिस्टन कैलिपर होने वाले, बाइब्री के कैलिपर आने वाले, डुअल चैनल ABS के साथ आने वाले। और फ्रंट फोक्स की बात करूँ ना तो गोल्डन कलर में आपके USD फोक्स मिलने वाले विद रिफ्लेक्टर आने वाले हैं, और काफ़ी खूबसूरत सी बाइक लगती है। और ये जो एक्सेसरी जो देख रहे हैं गोल्डन सी, ये सब एक्सेसरीज के तौर पर लगाया गया। और अगर हम सेपरेट में अगर इंजन की तरफ बढ़े ना, अब जो सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिलेगा ना वो TVS RTR अपाची 310 में जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा वो देखो भाई यहाँ से। बाकी और दूसरी बाइकों में आपने देखा होगा जो एग्जॉस्ट पाइप होता है वो फ्रंट की तरफ से होता है, लेकिन इसमें रियर की तरफ से। और इसमें ऐसा करने का एक मेन रीज़न था कि देखो भाई अच्छा खासा स्पेस बनाना, जो कि आप देख ही रहे हो कि इंजन आगे की तरफ हो गया, तो मतलब एक तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस बाइक का ज़बरदस्त हो जाता, प्लस में ये बाइक का लॉन्ग व्हील बेस हो जाता। और देखो लॉन्ग व्हील बेस होने का मतलब ये नहीं है कि बाइक लंबा कटे, उसको कम करने के लिए इस बाइक में आगे की तरफ इंजन करने के बाद और एग्जॉस्ट पाइप को पीछे की तरफ काफ़ी अच्छा खासा स्पेस बचता है, एक ये अच्छा खासा मैनेज हो गया। प्लस में शॉर्ट कॉर्निंग वगैरह इस बाइक में ज़बरदस्त होने वाली है। अब इसके इंजन की पावर फिगर की बात करें ना तो 312 cc का इंजन मिलने वाला, सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टर, लिक्विड कूल और सिंगल स्पार्क, मतलब सिंगल स्पार्क ये इंजन होने वाला है, विद 6-स्पीड गेयर बॉक्स के साथ आने वाला, स्लीपर असिस्ट क्लच मिलने वाला और विद क्विक शिफ्टर प्लस के साथ आने वाला। तो भाई इंजन काफ़ी अच्छे खासे पावर के साथ मिलता है ये। और अगर इस मतलब अगर इसके पावर फिगर की बात करें ना तो इसके पावर फिगर आपको इसमें 28.7 Nm का टॉर्क मिलेगा, मतलब पावर फिगर भी अच्छी खासी इस बाइक में देखने को मिलता है। और ये जो है ना शॉर्ट कॉर्निंग करने में, मतलब जैसे सिटी ट्रैफिक वगैरह में या तो ट्रैफिक वगैरह में चलाने में ये बाइक भाई ज़बरदस्त लगती है, लुक भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अग्रेसिव लुक आता है, क्योंकि टैंक जो है ना काफ़ी मस्कुलर देखने को लगता है। फ्रंट से ये बाइक भी और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। मतलब इस बाइक का जो सबसे प्लस पॉइंट रहा है ना वो मतलब हीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आया, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा मतलब काफ़ी बड़ा रेडिएटर फिन मिलता है विद फैन के साथ आने वाला, और देख सकते हो आपको कितना ज़बरदस्त मिलता है। थोड़ा सा रियर की तरफ बहुत छोटा सा स्लिक सा ब्रेक पैडल, फोल्डेबल फुट पैक्स मिलने वाले फ्रंट एंड रियर, रियर मतलब दोनों एल्यूमिनियम के आते हैं लेकिन ज़बरदस्त मिलता है। और ये रहा आपका एक ज़बरदस्त सा एग्जॉस्ट
मतलब एग्जॉस्ट काफ़ी अपलिफ्ट किया हुआ और अच्छा खासा है। और जो दूसरा मोनोशॉक सस्पेंशन 5 स्ट्रैप एडजस्टेबल के साथ आने वाला, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रैवल है इस सस्पेंशन का, क्योंकि देख सकते हैं इस हाइट कितनी अच्छी खासी है। और रियर प्रोफाइल की तरफ देखें ना तो ये टायर हगर मिलेगा, टायर हगर के साथ ही आपका इंडिकेटर आपकी इंडिकेटर होने वाला है। और मिशलिन के टायर आने वाले, रेडियल टायर आने वाले। और टायर साइज़ की बात करूँ तो वही 17 इंच का टायर मिलने वाला है टायर साइज, और टायर इसका साइज़ होने वाला है 150/60/70, मतलब 150/60/70 का टायर मिलने वाला है इस बाइक में। टायर अगर आता काफ़ी अच्छा हुआ सा लगता। पीछे एलईडी टेल लैम्प मिलने वाला, और ये प्यारा सा मतलब बुल शेप में आपका ये आपका ग्रैब हैंडल मिलने वाला। और बाइक ये स्प्लिट सीट के साथ है, बस वही यही है कि मिड वेरियंट है, तो वैसे तो इस बाइक में टॉप एंड वेरियंट में आपका जो क्या कहते हैं वेंटिलेटेड सीट आती है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन सीट अच्छी खासी राइडर के लिए, प्लेन के लिए मतलब छोटी सी है काफ़ी, मतलब स्पोर्टी स्टांस देने के लिए ऐसा लुक रखा है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो वही साड़ी गार्ड आने वाला है, सेमी नेकेड चेन आती है आपकी, और ये बाइक सिंगल स्टैंड के साथ आती है, मेन स्टैंड नहीं मिलता, फोल्डेबल फुट पैक्स आने वाले हैं, और छोटा सा स्लीक सा गियर लीवर मिलने वाला है। तो ये इस बाइक की कुछ कन्फिग्रेशन रही है। अगर मैं इसके टैंक साइज़ की बात करूँ ना तो टैंक आने वाला है, वैसे तो E20 कंप्लाइंस आने वाला है, और 11.5 लीटर का टैंक आना, काफ़ी मतलब यार डिसेंट सा टैंक मिलता है। और आई थिंक इसकी माइलेज भी 30 km/L के आसपास की है। और मिरर की साइड व्यू मिरर की बात करें तो काफ़ी अच्छा सा साइड व्यू मिरर मिलता है। और जो इसके हैंडल बार की बात करें ना तो सिंगल पाइप हैंडल बार आने वाला है, मतलब क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं आता। और अगर भाई जो इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट एक दूसरा ये भी है कि इनके स्विच की क्वालिटी, बटन्स की क्वालिटी काफ़ी रिच और ज़बरदस्त है। टॉगल स्विच इतने मतलब अच्छे खासे क्वालिटी के साथ आते हैं। अगर थोड़ा सा इधर की बात करूँ, मीटर बीट EFT डिस्प्ले LCD के साथ मतलब फुल्ली कलर मिलने वाला। और राइट साइड में देखें ना तो वही आपको इंजन कट ऑफ और इंजन स्टार्ट बटन मिलने वाला, मतलब इस चीज़ में कंपनी ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी। ये बाइक विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, तो ये अच्छे मतलब अच्छी बात है मिड वेरिएंट में, टॉप एंड वेरिएंट में तो भी अच्छे खासे चेंजेस के साथ तो देखने को मिलता ही है। अगर मैं इसके स्विचेस की बात कर लूँ ना तो ये आपका पासिंग लाइट और यहाँ से हाई बीम, ये फीचर हो गया। प्लस में ये आपका मीटर टॉगल करने के लिए, और लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, और ये हॉर्न का साउंड सुन लेते कैसा, हॉर्न का साउंड काफ़ी डिसेंट सा है। और राइट हैंड साइड के बटन की बात करें ना तो वही इंजन स्टार्ट बटन, और एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते कि कैसा साउंड करता है। इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है काफ़ी ज़बरदस्त है यार, मैं मतलब बाकी और भी स्पोर्ट्स बाइक का एग्जॉस्ट नोट देखा जैसे KTM वगैरह का, तो उसका काफ़ी क्रिस्प सा है, लेकिन इसका हल्का सा बेसी सा एग्जॉस्ट नोट लगा है। अगर एक बार मीटर के फीचर्स की बात करें ना तो भाई मीटर फीचर्स काफ़ी अच्छे खासे मतलब फीचर्स लोड इन मिलता है, जैसे कि आपका ये फ्रंट आप मीटर की बात करूँ ना तो यहाँ आपका स्पीडोमीटर हो गया, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर हो गया, ये आपका RPM हो गया, प्लस में ये टाइम क्या हो रहा है वो शो कर रहा है, किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, डे वन में कितना ट्रिप हुआ, ऑडोमीटर हो गया, एवरेज माइलेज आप कितना निकाल लो इस बाइक से वो हो गया। प्लस में इस बाइक में काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स जैसे कि ये फ्यूल हो गया आपका, ये न्यूट्रल लाइट हो गई, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर हो गया, RPM मतलब कितने हाई RPM पे वो जा रहे हैं, प्लस में यहाँ आपका हाई बीम लो बीम ABS की लाइट हो गई, और लैप टाइमर वगैरह काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स के साथ ही आती है बाइक, मतलब ऑलमोस्ट फुल फीचर लोडेड ही आती है। और फ्रंट से काफ़ी ज़बरदस्त एग्रेसिव लुक के साथ आती है बाइक, बहुत ज़बरदस्त इस लिए हो जाती है। एरियन के शोरूम प्राइस की बात करूँ तो इसका शोरूम 254-258 के आसपास चल रहा है, और ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो इस टाइम में जो हमें ये पड़ी है ये 3,08,000 के आसपास ये ऑन रोड प्राइस पड़ती है। मतलब इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी ज़बरदस्त लगी है, क्योंकि ये जो सेम इंजन जो देखने को मिलता है काफ़ी ट्यून 310cc में, वो क्या कहते हैं आपकी BMW 310 आती है, और दूसरा क्या कहते हैं RTR 310 में भी देखने को RR 310 में भी वो इंजन देखने को मिलता, तो इंजन से लेकर नो डाउट ज़बरदस्त है इंजन, और ऑलरेडी टेस्टेड इंजन है, बस वही है कि फीचर लोडेड ये काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है बाइक, नेकेड बाइक में आती है तो काफ़ी खूबसूरत सी लगती है। हाँ तो भैया ये बाइक क्या है कि देखो जैसे अभी ये सेकंड गियर पे बंद है, और सेकंड गियर में भी अगर इसको उठाना हो ना तो बाइक आराम से इजीली उठ जाती है,
थ्रॉटल रिस्पांस में मेरे को ये लगा है, जैसे मैंने अभी KTM वगैरह भी चलाया, तो इसका थ्रॉटल रिस्पांस है ना हल्का सा है ना डिले फील होता है, मतलब तो जैसे आप थ्रॉटल खींचते हो, जैसे राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी है तो थ्रॉटल रिस्पांस क्विक मिलना चाहिए, तो इसमें ऐसा फील होता है कि हल्का सा डिले है। लेकिन बाइक में जैसे अगर बस जो मेरे को एक चीज़ की जो कमी फील हुई है ना, जैसे कंपनी में स्लिप एंड असिस्ट क्लच और क्विक शिफ्टर वगैरह भी देती है यार, उस हिसाब से इसका क्लच है ना लाइट होना चाहिए, लेकिन इसमें है ना थोड़ा काफ़ी हैवी फील होता है, मतलब गियर शिफ्टिंग है ना जिस तरीके से मैंने अभी स्लिप एंड असिस्ट क्लच वाली बाइकें चलाई है उसकी बहुत स्मूथ लगती है, लेकिन थोड़ा इसमें ये हार्ड फील होता है। ये ऐसा पता नहीं क्यों है कि कहीं अगर सर्विस डिले की वजह से उसकी वजह से है क्या, और भी कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें ये चीज़ मैंने नोट करी है। इससे पहले भी मैंने अभी एक बार बाइक चलाई थी, मेरे को लगा नॉर्मल सी होगा, लेकिन जैसे इस बाइक में स्लिप एंड असिस्ट क्लच आता है उस हिसाब से इसका जो गियर शिफ्टिंग का जो हिसाब है ना थोड़ा हार्ड फील होता है। बाइक अगर हार्ड गियर में भी बाइक बड़ी स्मूथली निकलती है, भाई ये तो चीज़ है। अब एक बार हम कॉर्नर करके देखते हैं इतने में कट जाएगी या नहीं। तो क्या है कि RTR 310 की रिव्यू वीडियो में फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। जल्दी मिलता हूँ आपको एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक और बात, अगर बाइक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन और क्वेरी हो ना तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय।